महासमुंद जिले के बागबाहरा और भबरपुर पुलिस ने चार अलग अलग मामलों में उड़ीसा प्रांत से धान का परिवहन करने वाले चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार धान तस्करों के कब्जे से 207.5 क्विंटल अवैध धान जब्त की है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजवा ने बताया कि जिले में चार अलग अलग जगहों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिससे सबसे पहले ग्राम डोंगर गांव के पास एक व्यक्ति के पास से 50 कट्टा कुल 27.5 क्विंटल अवैध धान परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। तो वहीं दूसरी ओर ग्राम रेवा के पास एक 407 वाहन में एक व्यक्ति के पास से 85 कट्टा यानी कि 34 क्विंटल अवैध धान पकड़ी गई है। इसके साथ ही अन्य दो मामलों में भी ग्राम चारभाटा और बासना क्षेत्र में धान तस्करों को अवैध धान परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। बता दें कि पुलिस की टीम के द्वारा चार व्यक्तियों और चार वाहन से कुल मिलाकर की 207.5 क्विंटल धान जिसकी कीमत करीब 6,44,000 रुपये बताई जा रही है धान को जब्त किया है। तस्करों के खिलाफ में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। सरायपाली से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। जो बागबाहरा थाने जो हमारा सीमावर्ती उड़ीसा से थाना पड़ता है वहाँ के जो चेक पोस्ट पे हम लोगों ने कल रात को कार्रवाई की है। उसमें तीन कार्रवाई हुई है और एक कार्रवाई जो भवरपुर चौकी थाना बसना के अंतर्गत की गई है। इसमें कुल 207.5 किलो क्विंटल ये धान जब्ती किए हैं जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए है। इसमें चार वाहन भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। 102 में जब्ती करके संबंधित मंडियों को प्रकरण सौंप दिया गया।